लेकिन जो कुछ रह गए समान वो हर कढ़ेंदे पेन ट्रालियां भरीज भरीज के वेंदे पेन। तो बहावलपुर को इंतहाई खतरा है, बहावलपुर शहर को तो ना बन जड़ा है ना मजबूत करेंदे पेन। सारे बन को आखने एक ई साइड दे शायद त्रोड़े सन सब तो इो खतरा है कि ना क्योंकि बहावलपुर को बचाओ तो असा ही पास डूब वेसूँ अगर अब हमारे सारे रिश्तेदार जो है वो सामान लेकर जा रहे हैं, हमने भी अपना सामान पैक कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करें तो ठीक हो सो। सारे हालात तेरे सामने ही हैं। इतने डी वीडियो ना आवन की वजह जड़ी है वो तो आपको आप नज़र ही आँदी पी उसी तो सारे हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इतनी डी असा वीडियो मैं यही गल नहीं बनाई क्योंकि असा परेशान असें बहुत ज़्यादा इंतिया ही तो सारे जो समान वगैरह हैं वो सारे ही असा क्लोज करने हैं। तो कलहो के थी कि ट्रालियाँ ट्रैक्टर जिमें जिमें जिन्हें रिश्तेदार हैं कोई नाल जाणू है तो मतलब दूर रहने वाले तो उन्हें आके घिन घिन सारे समान भी पैक थींदा पे हर कोई चाह के चला गए। कल शाम को ही हर कोई अपने अपने समान चाह के वेंदा पे। तो यह ओ ही जा है जिते मैं खड़ी हाँ थी तो दसे सा पिछली वीडियो तुम देख सो ई साइड के दरख्त भी हैं पर सर सब खेत वगैरह भी हैं। ये वो जाए जिते कच्ची कोठी आई जिते किचन सर्दियों को भाप लेने वो ही तो ई साइड के जानवरों के सारे जई हैं वो भी खत्म थी चुके हैं। तो ई साइड के त्रै कमरे हैं, पहले दिखाया मैं एक वीडियो के त्रै कमरे हैं डू वाल पट की दाने कमरे तो एक कमरा खड़ा ही थी समान वगैरह रखने के लिए उए समान वास्ते वो भी हूँ त्रीजी जी मारे वो भी पट की देने। खतरा इतना है, इंतहाई खतरा है कि सबको आज शाम का रात का टाइम मिले कि देखो कि जड़ा जड़ा भी तुकन वंजना चाहे अपनी मतलब मर्जी देसा बैठे हैं। तो उए हुकूमत की तरफ तो सबको बहुत ज़्यादा ही सख्त है, इन्ना ला के दिता गए समान साढ़े कल होके थुकन कट दिते गए जो कुछ रह गए समान वो हर कढ़ेंदे पेन ट्रालियां भरीज भरीज के वेंदे पेन। तो बहावलपुर को इंतहाई खतरा है, बहावलपुर शहर को तो ना बन जड़ा है ना मजबूत करेंदे पेन। सारे बन को आखने एक ई साइड के शायद त्रोड़े सन सबको तो इो खतरा है कि ना क्योंकि बहावलपुर को बचाओ तो असा ही पास डूब वेसूँ अगर साकू बचे ने तो बहावलपुर डूब वेसी। तो यह खतरा इं गल आता पे क्योंकि सारा कटाओ जो दरिया का वो सारे इलाके साइड के है सारा ये हम बस्ती जी है ना पूरी जद आवे सी। तो यह कल शाम का साको टाइम दिता गया अज 12 बजे तो पता नहीं कड़े वेला हो कि पानी फिर वन साढ़े इलाके तू तो असा हूँ जो है ना इतों के वजन के तैयार हर कोई की बैठे तो समान शमान जो है ना वो भी बधी चुके। इस साइड के सारे वार्ड हैं वो सारे खत्म थी चुके हैं तो घर जो है ना समान वगैरह वो भी क्लोज करके दे हूँ इवें बैठे थे जिमें कोई बंदा आरजी तौर पर बैठा होते ना कि कड़ा वेला हो सी तो इतों के ना असा रवाना थी वेसूँ बस उ खुद समान रखा है जो कि हूँ थोड़ी देर बाद सूँ वाली थुकन चले वे सूँ जोड़ा जिन्हें कोई रिश्तेदार दूर दे हो सन शहर तो वो उड़े चले वे सन। सारी बस्ती मतलब के वक् वक् थी चुकी हूँ कोई कितवें का पे कोई कितवें का पे जो रले असर आंदे से इतना कहन फसल वगैरह भी हैं घर हैं हूँ ना घर है ना फसल मतलब रह गए
हर कहीं अपने अपने मकान जड़े वो भी पट गए तो समान जड़े वो भी ट्रालियां चले गए सारे जई वगैरह तो पट गए तो आरसी तोड़ चाचो हाँ एक डहरे की गली डहरा बनाई खड़े कि रात को थे ना राशन रात को तो उ खतरा डर सेंदे पे बहुत ज्यादा ही शाम को हाल ही जिम्मे धुप बहुत ज्यादा तेज थी खड़ी है इतने जिम्मे बह वे सन तो ये आरसी तोड़ डहरा बनाया खड़े Thank you.